मॉर्निंग गाइस, छोटी चाय लेके आई है और चाय के साथ एक बहुत बढ़िया सा खुशखबरी लेके आई है हम सब के लिए। तो बेस्ट पार्ट क्या हुआ पता है? दिमाग आया एक जगह पे एंड टाइम में कि तत्काल टिकट कटानी ही है, तो ऐसा करते हैं कि ऐसी ट्रेन में टिकट लेते हैं। एक ही ट्रेन है जो डायरेक्ट इस, अरे भाई चिल्ला रहा है बंदा, जो बहुत अच्छी चीज हो गई कि डायरेक्ट एक पूर्णिया ट्रेन जाती जो सीमांचल एक्सप्रेस है डायरेक्ट आनंद विहार से। तो मैंने सोचा कि जब उसमें जा ही रहे हैं जो तुम्हारी दूसरी ट्रेन थी, तो क्यों ना ऐसे ट्रेन में लिया जाए जो घर पे, क्यों सामान बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसमें थोड़ी भीड़ कम हो। मकर संक्रांति की वजह से जैसे भी होगा, कितना अच्छा था कि ट्रेन में टिकट तत्काल में कंफर्म होगी, क्योंकि शायद भीड़ अभी कम चल रही इस वजह से। अरे प्यारी ब्लॉग, फिर घर वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के दिन ऐसे एकदम खुशी खुशी न्यूज़ से साथ स्टार्ट हो रही है। चाय पीता हूँ, फिर आगे चीज़ें और भी बताता हूँ क्या क्या प्लान है हमारा। तैयारियाँ तो स्टार्ट है भाई, अब क्या तैयारियाँ, तैयारियाँ एंड होने पे भी है, अब शादी होने वाली है बस। गाइस हमारा सेटअप रेडी है, भैया आ गए हैं और ये हमने अर्बन क्लैप में कुछ चीज़ें करी हुई थी, इसी घर में स्पेस था। मैं टाइम लैप्स लगा दूंगा, जो भी चीज़ें होगी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। गाइस देख सकते हो भैया ने बहुत अच्छा कट किया, मेरे हेयर थोड़े से वो अजीब टाइप के एक साइड झुक जाते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से कट किया और जो रिक्वायरमेंट थी मेरी बिल्कुल साइड से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए उसी हिसाब से किया है। सबको इतने परफेक्ट नहीं कर पाते मेरे हेयर का कट। थैंक यू भैया। क्या नाम भैया आपका? रिजवान नाम है। तो ये अर्बन क्लैब पे मिल जाएंगे, मैं इनकी आई डी वाई डी बता दूंगा आपको वीडियो में। आगे प्रोसेस करते हैं, इसके बाद भैया आप क्या करेंगे? इसके बाद अच्छा बीएड वाला होगा प्रोसेस जो भी है। सो बीएड भी डन हो गया है, एक एक चीज़ पे भैया ने डिटेल से काम किया हर जगह पे कट पे। तो कटिंग वाला सारा काम हो गया, एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं मसाज वगैरह और टी टाइम वी टाइम, तो वो करेंगे, वो बीच बीच में आपको दिखाते रहूँगा। आई एम एंजॉइंग गाइस, फील लाइक आई एम इन हेवन। सो फाइनली हेड मसाज और शोल्डर मसाज के बाद भैया लगा रहे हैं डी टैन क्रीम। इसमें वैसे क्या होता है भैया, जो धूप धूप से टैनिंग हो जाती है वही एंटी टैन होता है, समझ गए? एंटी टैन, हाँ टैन रिमूवल पैक में भैया ने ये कर रखा है, मतलब कि जितनी टैनिंग वैनिंग होगी हट जाएगी वो। सो गाइस डी टैनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस भैया कर रहे हैं फेस मसाज। सो फाइनल गाइस मेरे फेस का देख सकते हो पूरा चेंज, फेस में कितना ग्लो आ गया है, हेयर कट वगैरह ले लिया, बाल थोड़े से चिपके हुए हैं क्योंकि तेल लगाया उन्होंने मसाज, हेड मसाज जो किया था आपने देखा हुआ है, पर अपने बहुत सही कर दिया है, बहुत एक एक चीज़ को डिटेल में किया है, अच्छा लगा, मतलब हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत भरपूर, बहुत बहुत भरपूर उन्होंने प्रॉपर वे में जैसे करना होता है सब कुछ किया टाइम दे के। आपको गाइस बता दूँ, ये आए हुए थे 10:30 में और 12:30 बज रहे हैं, 2 घंटे टोटल लगे इन सारे प्रोसेस में। फाइनली जितना कुछ उन्होंने किया हुआ सब क्लीन कर रहे हैं। अब इससे पहले भी मैंने सर्विस एक दो बार लिया है, बड़ी छोटी होती थी तो सेटिस्फेक्शन उतना नहीं होता था बड़ी जल्दी। आपने मेरे चैनल पे पहले भी एक वीडियो देखा होगा अर्बन टैप का, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल उतनी अच्छी नहीं होती है, बट अब की बार बिल्कुल 100 में 100 भरपूर मज़े लिए। अब नेक्स्ट टाइम से अगर करता हूँ तो इन्हीं से कराऊंगा। और गाइज मैंने एक टिप भी लिया इनसे कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो जो आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में जो भी लोग रहते हैं उनको बता दूँ कि इन जो टैप वाली वाटर आती है उसका क्वालिटी बहुत ख़राब है। इन्होंने बताया कि आप नॉर्मल जो पीने वाला पानी यूज़ करते हो उसे हेयर वॉश किया करो एंड ऑयलिंग किया करो 1 घंटे पहले। वो तो घर में करता ही था, वाटर वाला मुझे किसी और ने भी सजेस्ट किया था पर मैं वो नहीं कर रहा था यूज़, पर आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सेम टू यू भैया। ये देखो दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, पूरे दरवाजे पर डब्बों की लाइन लगा दी, डब्बे जो है डब्बे लगाए हैं इस पे। सो गाइस मैं नहा के तैयार हो गया हूँ और देखो अब मैं कैसा लग रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने जो ये वाटर है पीने वाले इससे बाल को वॉश किया है। अब भूख लग रही बड़ी जोर की, खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी कहाँ जाना है, क्या करना है वो सब बताएंगे इसके बाद। गाइस हमेशा फेस जो है चेंज लगता है हेयर कट के बाद। छोटी और रॉबिन कहीं और गए हुए हैं, उनको कुछ और सामान लेना है और मैं और ये चल रहे हैं बगल के मॉल में, पास वाले मॉल। भाई क्या ठंड है, अच्छा मैंने ये ले लिया, हालांकि मैच नहीं कर रहा है इस पर बट ठंड है क्योंकि मेरी दूसरी वाली मैंने पैक कर दिया कहीं। ये बोलती ऐसे टच करने के लिए, मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मैं अंगूठा छाप हूँ तो मुझे तो ऐसे आता है। लाइट आती है जाती है। हाँ मॉल पहुँच गए भाई,
में से किसी को भी अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा है, बट शॉपिंग तो करनी है। अगर मेरे पास आईफोन आ गया ना तो आईफोन से ज़्यादा खर्ची तो मेरे कवर पे चले जाएंगे। तो बच्चों की स्टोरी पे चढ़ना है क्या आपको? मम्मी पापा भी इंजॉय कर लेते हैं। देखो सब थके हुए हैं और इस लड़की को दिन बेचारी तबीयत खराब है। शॉपिंग भी करा है हमारे लिए पूड़ियां बनाने का रास्ते के लिए। नहीं गाइस, मुझे पनीर और पूरी खाने का मन था। झूठ मत बोलो, इसने पनीर वनीर हमारे लिए बनाई है। हालत लिटरली बता रहा हूँ, सबकी हालत बहुत खराब है। बट ये पार्ट अच्छा है कि हमने मोस्टली 80% चीज़ें पैक कर ली है। और कल कैसे जाना है, भगवान जी हमारे साथ में, जैसे भी जाना है चले जाएंगे, पता है ये बात। बस अब देखते हैं, कल दिख ही लोगे आप। गाइस इतना सारा सामान हो गया, देख लो मतलब कि आदमी तीन जने हैं, पाउंड पूरे 20 हो रहे हैं। रॉबिन बेचारा सोच रहा है क्या करना है, और मैं भी सोच रहा हूँ क्या करना है गाइस। तो आप लोग की दुआ से कैसे भी कैसे हम बैठ ही जाएंगे और चले ही जाएंगे, इतना भरोसा है हमारा। वो तो मैंने दिखाया था खाना पैक से बनाया है खाना, तो देखते हैं क्या होगा गाइस। आप लोग की दुआ से कैसे भी चले ही जाएंगे, सुबह उठ के नहाना है। अब सुबह की प्रोसेस, अभी का काम खत्म हुआ, सुबह की प्रोसेस में लग जाना है। चाहते हैं सोने के लिए, मिलते हैं आपसे सुबह।